कंठे बध्नामि शुभगे तुम जीव शरदां शतम्। मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। मेघा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ, ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? सगाई की तैयारी में ठीक से खाया नहीं होगा, थकावट की वजह से चक्कर आ गया बस। नहीं, ये चक्कर वीकनेस की वजह से नहीं आए। क्या कह रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? बात यह है, वो ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगी। क्या? इट्स अ रेयर जेनेटिकल डिसऑर्डर, इन मेडिकल इट्स नोन एज स्पिंगोहिब्रोसिस। अगले महीने उसकी शादी है और अब ये सब कैसे? कैसे बताऊंगा उसे, कहां से लाऊंगा इतनी हिम्मत अपने अंदर? देखिए, वो एक डॉक्टर है, आई थिंक शी विल अंडरस्टैंड। ऐसे वक्त में आपको कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। सुनो, तुम भी एक दिन मरोगे, चित्रा भी अमर नहीं रहेगी, ना ही वो शारदा, ऊपर वाला भी अमर नहीं रह पाया। वो जिसे बड़ी हंसी आ रही है उसका भी नंबर लगेगा। ये पक्षी, ये पेड़ पौधे, एक दिन ये सब भी नष्ट हो जाएंगे। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सब कुछ खत्म हो जाएगा। माँ, अभी तक मंदिर का दिया नहीं जलाया। सब सही चलता तो आज तुम्हारी शादी हो रही होती। हम क्या कर सकते हैं, भगवान ने ऑलरेडी मेरा इनविटेशन कार्ड छपवा रखा था, पर पहले पता होता तो इन कार्ड्स को छपवाते ही नहीं। अगर दूसरों से खुद को कंपेयर करूं तो मैं बहुत लकी हूं पापा। कितनी ऐसी औलादे हैं जिनको माँ बाप कोई सुख नहीं दे पाते हैं, और कुछ बच्चे तो स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी जितनी उम्र तक भी नहीं जी पाते हैं। मैंने लाइफ के 22 साल बहुत खुशी से गुजारे हैं। किसी भी औलाद के लिए ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं है पापा। बचपन से आज तक मुझे सब कुछ बेस्ट मिला है, बेस्ट स्कूल, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट फैमिली। आप सब ऐसे दुखी रहकर मुझे हर्ट कर रहे हैं। सब मेरे लिए तो खुश रह सकते हैं ना? आयुष्मान भव। वैसे तुमने क्या मांगा? क्या पता 100 साल वाली बात सच हो जाए? नहीं, किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता। मैंने उनसे ये पूछा कि मुझे दुनिया में लाने का पर्पस क्या था। हर जीवन का एक मकसद होता है। हाँ, और क्या कहते हैं कि जन्म लेने के बाद हर इंसान को एक पौधा लगाना चाहिए। इंसान के जाने के बाद भी वो बड़ा होकर सब कुछ छाया देता है। मैंने तो वो भी काम नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे जीवन का क्या मकसद है। तुम्हारी बातें ना मुझे समझ नहीं आ रही। तुम्हें आइडिया है लास्ट वीक शर्मा अंकल के घर क्या हुआ था? बच्चा पैदा होते ही मर गया। रो रो के सबका बुरा हाल हो गया है। बताओ उस बच्चे का क्या पर्पस था? बच्चा पैदा होने से पहले अंकल आंटी में कैसे रिश्ते थे? डिवोर्स लेने वाले थे, लेकिन अब साथ रहना चाहते हैं। उस बच्चे का पर्पस उन दोनों को पास लाना था। उस बच्चे की तरह ही मेरी लाइफ का भी कोई ना कोई पर्पस होगा। बेटी, हाँ, ये लो बजरंगी का सिंदूर, सब शुभ होगा। खा, ठीक होगा। आप ही अंधविश्वासी हो। आपके ऊपर वाले भी कौन सा सबके लिए अच्छा सोचते हैं। अब इसकी बातों का बुरा मत मानिए। थैंक यू। खुश रहो बेटी। धरनी, मेरी लाइफ का सबसे पहला प्यार, और ये डायरी मैं उसी के लिए लिख रहा हूँ। ये देखो, ये तो किसी की डायरी का पेज है।
पेपर्स दे सकते हैं? उसे देखने से पहले उसकी रूह को समझ लिया, उसे जानने से पहले जज्बात को समझ लिया। वो मेरे लिए किसी चंद्रमा से कम नहीं है। कोई दिलचस्प इंसान लगता है। हाँ, क्या मैं ये डायरी ले सकती हूँ? शुक्रिया। दूसरों की डायरी पढ़ना गलत बात है। भगवान ने परमिशन दे दी, चल। नाम है रवि और ये है मेरी कहानी। अजय, कितनी बार समझाया पेपर डालने का काम छोड़ दे, फिर भी तू ये काम छोड़ता नहीं है। क्या हुआ भाई साहब? आप ही इसे समझाइए। पेपर बॉय का नाम सुनते ही कोई इसे अपनी लड़की नहीं देता। झूठ बोल के किसी कंप्यूटर ऑफिस में काम करता तो कम से कम शादी तो हो जाती। और जिस दिन सच्चाई सामने आएगी उस दिन वो शादी भी झूठ में बदल जाएगी। अंकल, बस इतना सा था, ये न्यूज़पेपर बांट के घर का किराया भरा, इसी से एग्जाम की फीस भी भरी, इसी की कमाई से आपकी दवाई आई और आपकी दारू भी। अंकल, अंकल अगर आप हमारे काम से खुश नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उन आवारा घूमने वाले लड़कों से कई गुना बेहतर है, ये आप भी जानते हैं, इसलिए बेइज्जती मत कीजिए। माँ, डॉक्टर ने वजन उठाने से मना किया ना, लाओ मुझे दो। ना उठाऊं तो काम कैसे होगा? तो कहीं और से मंगा लेते। इस महीने की ऑटो की सुपर कमाई सिर्फ 3,000। जब से ऑनलाइन पेमेंट शुरू हुआ है कड़कड़ते नोट आने बंद हो गए। ऑटो चलाने से अच्छा मेरा खाने का धंधा है, मैंने तुमसे 2,000 ज्यादा कमाए। बिल्कुल सही है, टैक्सी आने के बाद ऑटो की डिमांड काफी कम हो गई है, लेकिन आपकी डिमांड हमेशा रहेगी। निकम्मे पानी भी नहीं भरने देते, घोड़े जितने हो गए लेकिन बचपन आने ही गया, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी भागने के लिए रेडी रहे। हाँ ओके ओके, चल बॉल डाल। चले रेडी रहे, चल बोल बोल बोल। ए रवि भागना, क्या हुआ? ऐसे खड़े की क्या दिख रहा है, भागना। लास्ट बॉल पे सिंगल रन लेना चाहता है तू, कभी सुधरेगा नहीं। आउट 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 आउट, जानबूझ के तूने मुझे आउट करवा दिया, अब तू ही खेल ले अकेले। हां तो खेलूंगा ना, बात करता है। चल चल, हे ऊपर वाले, इस बुढ़ी का श्राप लगेगा और अगली बॉल पे रवि बोल्ड होगा। अरे ओ निकम्मे कहीं के, जाओ यहां से कहीं और जाके खेलो। चुप कर बुढ़िया। ए रवि, तेरी चाबी धरती हॉस्टल से आगे लिए। या देखा बुढ़िया, तेरा श्राप काम कर गया। तेरे मुंह पर चप्पल से मारो। बढ़िया ही मारने वाले। धरनी, किताबें मिलने का जरिया बनी और उनमें लिखे अल्फाज हमें करीब लाए। वो जो मुझ जैसा सोचती है, कौन हो तुम? धरनी, डॉटर ऑफ कटवाल रेड्डी। 4 साल के बाद मेरा इंतजार खत्म हुआ। Whoa.
इस वक्त कैसे आना हुआ? वो बिल के पैसे लेने थे। महीने में दो बार ले जाओगे? मालकिन नहीं है अभी घर पर। अरे मुझे याद आया, मुझे बाजू के घर से लेने थे। सॉरी। हाँ। अब यहाँ नहीं रहती ना? दही जमाने आई थी। वैसे मुझे भी बात ही जवानी है। ये लीजिए। पेपर देने के लिए कोई बेल बजाता है? नहीं, दरअसल मैं सिर्फ पेपर देने नहीं आया था, ये बताना आया था कि ईयरली सब्सक्रिप्शन पर आपको काफी मैगजीन मिल सकते हैं, तो आप लेना चाहेंगी क्या? हमें तुम्हारी मैगजीन नहीं चाहिए, क्योंकि इस घर में मैगजीन पढ़ने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं। जाओ। लक का शटर डाउन हो भाई, वहाँ चाबी दुकान खोल दे नहीं गई। दिल का शोरूम बंद होने वाला है, और इसको देखो। अपन लोगों के गली में कभी फुलझड़ी आती नहीं भाई, अपना किस्मत खराब है। सबकी वोट लगे लिए भाई। हैं? अनीता हारी लिए? अनीता हो अनीता ना अंदमैना अनीता दयाले दाता। अपनी वाली आगे लिए, घोट रुकू करके आता हूँ भैया, पकड़। रोमियो कहीं का। अभी देखना इस बंडू का जलवा मेरी शायरी पढ़ के ना हिचकोले गाने लगेगी। तू मत खाना। ए अनीता, तेरे लिए जल्दी से रीड ले। ये क्या है रे? पब्लिक व्हाट्सएप फेसबुक से पक गई ना, तो अपन वापस गोइंग बैक टू रिटर्न। अपन ने तेरे लिए कागज पे कलम से रोमांटिक कविता लिखे ला, दिल को बाहर निकाल के पढ़ लेना। मेंटल है क्या? शर्म नहीं आती? आ, नहीं आती रे, तेरे दुकान पे तो एक किलो पैक कर देना। फिर यहाँ दिखाना तो तुझे बेच कर तेरे फ्रेंड्स को पार्टी दूंगी। सुखिया गिली, निकल यहाँ से। न्यूज़पेपर देने आते हो या पैम्पलेट देने आते हो? हर सुबह ये टॉर्चर झेलना पड़ता है। हाँ क्या? सॉरी मैडम, आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर से पैम्पलेट्स दिए ना तो न्यूज़पेपर बंद कर दूंगी। ओके मैडम। सन ब्रदर, गुड मॉर्निंग। ए काका, रवि को देख के अपन बोल रहा है, उसको उसका मिल गया है। ये तू कैसे कह सकता है? अरे अंकल, साइकिल की रफ्तार स्माइल देख के पता चल रहा है। अरे रा, रा, रा। जरा चेहरे की लालिमा तो देख भाई, क्या बात है। 2000 साल लग गए आदमी को चांद तक पहुंचने में, बोलो मून देवता की जय। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को समझने में 200 साल लग गए, बोलो न्यूटन बाबा की जय। रवि के प्यार को समझने में धरनी 2 महीने लगाई गई, या 2 साल कोई जाने ना। लेके जाएंगे रवि की बारात, दुल्हनिया लाएंगे, बोलो ओ यस ओ यस ओ यस ओ यस। इसे चोट लगी है? अरे बाप रे, इसे मेरी वजह से चोट लगी है। ये जा खाना लेकर आ। ये ले। आज से गली में नहीं रहेगा, मेरे घर में रहेगा। विनोद भैया, हाय, हाउ आर यू? ऑलवेज फाइन। और कितना वेट करवाएंगे आप? इंडिया कब आ रहे हैं? मैं इंडिया नहीं आ रहा हूँ। तुम अमेरिका आ रही हो? मैं? हाँ धारणी,
तुम्हारे एमएस डिग्री के लिए यहाँ अप्लाई कर दिया है। एक महीने में एडमिशन मिल जाएगी। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज। और बताइए जीत भैया कहाँ है? वो कहाँ होगा, इस पार्ट है एनिमल, ऊपर से वीकेंड भी है। पापा कहाँ है, बात करवा। बताने की जरूरत है क्या, अपनी किताबों में खोए होंगे। वन मिनट, पापा भैया का फोन है। क्यों भाई चैंप, क्या तीर मार रहे हो? क्या पापा, आज संडे है। प्रोफेसर होना आसान नहीं रह गया, स्मार्ट जनरेशन है, अपडेट रहना पड़ता है। ये फोन क्यों कट कर दिया इसने? ये इंटरनेट ना रोज खराब हो जाता है। पापा कब से कह रही हूँ, कहती हो वो भी कर लेते हैं। चलो चाय पी लेते हैं अभी। सुनो गुड्डी, तुम उस टेबल पे बैठ के क्यों नहीं पढ़ रही हो? दादी ने कहा कि ऊपर नहीं बैठना। इसे अपना सिर पर बिठा लेना, एक नौकरानी की बेटी से इतना प्यार। दादी कैसी बात करती हैं आप? आप भी ना मम्मी जी, हर बात पर गुस्सा होती है। गलती तो मेरी है, मेरे मरने के बाद जो दिल में आए वो करना। क्यों झूठ बोलती हो, हर रोज यही कहती हो लेकिन आज तक नहीं मरी। अरे ऐसे नहीं बोलते। हाय रवि। हाय सर। ऐसी पुरानी किताबें कहाँ से मिल जाती हैं? सर मुझे रास्ते में एक भंगार वाला दिखा तो मैंने उसी से ये सस्ते में खरीद ली। अब कोई इस पे भेलपूरी खाए उससे अच्छा कोई बच्चा इसे पढ़ ले। बहुत अच्छा किया तुमने। यू नो इन अ वे यू आर हेल्पिंग मी। हेल्प कहाँ सर, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। आपने अपने घर को पब्लिक लाइब्रेरी बना के रखा है, सोशल सर्विस कर रहे हैं। काश हर एक का दिल आपके जैसा होता। बिल्कुल सही कहा। मैं चलता हूँ सर। ओके कैरी ऑन। हेलो धरनी, हाय अंकल। आई एम गुड। हाय अंकल, देखिए आज मैं भी आई हूँ। फाइन, जो बुक्स ढूंढ रही थी वो वहाँ रखी हैं। ये माय कुकिंग रेसिपी बुक्स। एकदम पागल है, हर जगह खाना ही दिखता है। ये तो ओल्ड कलेक्शन है ना अंकल, आपको ये बुक्स कहाँ से मिली? अभी अभी एक लड़का डोनेट करके गया। स्ट्रेंज, मोबाइल जनरेशन के लोग बुक्स भी पढ़ते हैं। यू नो व्हाट, वो एकदम तुम्हारे जैसा है। एक बार पढ़ने बैठ जाए तो दुनिया भूल जाता है। फिर तो उससे जरूर मिलना पड़ेगा अंकल। मैं फिर से तिलक की अमृतम कुरेसना रात्रि पढ़ना चाहूंगी। श्योर, एंट्री करके ले जाना तुम, ठीक है? ओके अंकल। अमृतम कुरेसना रात्रि, इसमें रोमांस मर्डर सस्पेंस है ही नहीं। होगा तो पढ़ोगी? ये कुकिंग पे नहीं है। लाइब्रेरी इतना पास में तो थी, यहाँ तक तो हम पैदल ही आ सकते थे। मजबूरी है, हॉरोस्कोप में लिखा था वॉकिंग से वेट घटने का खतरा है। मुझे माफ कर, तू आगे चल। सामने बनाना से ईट मी ईट मी कह के इनवाइट कर रहे हैं। उनके ईट मी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जब पेट कहे आम हंग्री तब खाना। जब मैं खाऊं ना सेल्फी लेकर व्हाट्सएप पर भेज देना। भैया जी मैडम, एक डजन दो। पार्सल है? यही खाऊंगी, बाकी घर पर भिजवा देना। पैसे एडवांस में दीजिए, मेरे पापा फूड इंस्पेक्टर है। अच्छा, पहुँचो देता हूँ ना। मैडम बिल। फिर मुँह उठा कर चले आए, कितनी बार कहा है पैम्फलेट नहीं डालने का? पैम्फलेट बांटने से कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है, पेपर बांटने से गुजारा कैसे होगा? तो फिर तेरे लिए घर को रद्दी की दुकान बना दूं? नहीं चाहिए तो बंद करवा दो ना, पोकट का लेने में भी इनको प्रॉब्लम है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह गुड्डी को अखबार पकड़ा दिया, हर पन्ने पर लाइंस बना दी है इसने। ओके बेटा आई एम लीविंग। माँ क्यों गुड्डी, ड्राइंग के लिए पेपर चाहिए था तो मुझसे कहती, पापा का न्यूज़पेपर क्यों खराब किया? कहा था ना इसे ज्यादा सर पे मत चढ़ा, मेरी कौन सुनता है। मैंने उस पेपर से नहीं खेला दीदी। सच कह रही हो? सच में दादी माँ की कसम। मेरी झूठी कसम खाती है बदमाश लड़की। वैसे भी मेरी अब उम्र हो गई है, तेरे तो कान मरोड़ने वाले है जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है। 1 2 3 4 मुझे धरनी अच्छी लगती है, दिल पे जादू सा कर दिया। कहीं ये मेरे लिए तो नहीं है? साढ़े 5 फुट की एक संस्कारी लड़की, 50 किलो की सुशील कन्या। अगर हमारी भाषा में कोई सबसे सुंदर शब्द है तो वो है धरनी। घर से 3.5 किलोमीटर दूर रोज इंद्रधनुष खिलता है।
हर सुबह ठीक 5:30 बजे पहुंचकर मैं उसे गुड मॉर्निंग कहता हूँ। हॉस्टल से लौट के घर को स्वर्ग बनाने आई है। कौन है वो जो मेरे बारे में इतना कुछ जानता है? क्या मैं उसे जानती हूँ? हे पेपर बॉय, क्या हुआ मैडम? वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या है ये? कुछ बोलो भी। आई एम सॉरी, वो क्या है कि पढ़ते वक्त मुझे अंडरलाइन करने की आदत है, तो आपकी तारीफ के लिए मैंने कुछ लाइंस को अंडरलाइन। क्या? एक्चुअली हैसियत में छोटा होना, तो मैंने दिल की फीलिंग्स को अंडरलाइन कर लिया। ओ, फीलिंग्स को अंडरलाइन करने से कोई समझ पाएगा क्या? ठीक है, वापस कर दीजिए। सच बताओ, क्या सुबह सुबह उठ के पेपर पढ़ने वाली लड़की जैसी दिखती हूँ क्या? ये आप क्या कह रही? मेरे पापा ने कुछ उल्टा समझ लिया। मैम, रियली सॉरी मैम, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा सुनो, पैम्फलेट्स देने से एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं क्या? हाँ मैडम। ठीक है, तो कल से पेपर के साथ पैम्फलेट्स भी देना। लेकिन आपको परेशानी होगी? चलेगा। ठीक है मैडम। हेलो पेपर बॉय, अपना नाम तो बताओ। रवि नाम है मेरा। रवि, आदत अच्छी है, कंटिन्यू रखना। काका, हाँ? 4 स्पेशल चाय दो। मेरे वास्ते कॉफी। ओके। मेरा वाईफाई का व्हाट्सएप कैसे चालू हो गया भाई? अबे तो इतना उछल के भरा है, गलती से दर्जी ने तेरे से इलू बोल दिया क्या? आज तो डायरेक्ट बात हुई, पैम्फलेट डालने से ज्यादा पैसे मिलते हैं ना? है? तो उसने कहा कल से पैम्फलेट भी डालना। ए मजनू, तेरे पे तरस खा के बोला होगा, प्यार की वजह से नहीं। बोला पनौती नहीं, नहीं रे पतंजलि, उसने दिल से कहा था मुझे, इसीलिए अच्छा लगा। तू टी पार्टी से भाग रहा है ना? आज रात मेरी ओर से कॉकटेल पार्टी भाई के लिए। कॉकटेल पार्टी? पर क्यों? अनीता डार्लिंग के दुकान में अपन रोज पेपर डालने जाता है ना, आज पॉम्पलेट के बजाय उसमें लव लेटर चिपका दिया मैंने। बस वो एक बार अपना लव लेटर पढ़ लेना भाई, सच बोल रहा हूँ मेरी गुलाम बन जाएगी। मतलब तेरे अच्छे दिन आ गए हैं। अपनी डार्लिंग विलायती नारंगी है, बहुत नशा है इसमें। फिर से पैम्पलेट। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हंसी तो फंसी। जवाब चाहिए। जवाब देगी। अपना गेम चालू हो गया। थ्रो 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 थ्रो, कैच 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 कैच। किसी ने देखा तो नहीं? यार सबसे पहले प्यार की बाजी अपन ही जीतेगा भाई। बहुत हंसी उड़ा रहा था ना अपन का, अब रोएगा मेरे को देख के। यहाँ पर वाला कुछ अच्छा हो या मेरी रक्षा करना। अबे कांपता रहेगा या खोलेगा भी इसे? देख के जल रहा है क्या? अबे रोमियो, पहले खोलना इसे। जाके अपना काम करना है, मेरे को अपना काम करने दे। लगता है वो फ्रूट डाइट पर है। अरे रोमियो, दिल छोटा मत कर, इसको तेरे प्यार का पहला तोहफा समझ ले। अब इसको पकड़ के ऐसे दिन भर सूंघता रहे। चलो इस रोमियो को इधर ही छोड़ दो, चलो। I'm fine, Dad. आगे कैब से चली जाऊंगी, लोकेशन शेयर कर रही हूँ, किसी मैकेनिक को भिजवा दीजिए। ओके बेटा, बी केयरफुल। ओ शिट, बैटरी लो। Thank you.
अरे धरनी मैम आप हे hey, तुम तो पेपर बॉय हो। ये क्या मॉर्निंग में पेपर आफ्टरनून में ऑटो इवनिंग में बैलेट पार्किंग करते हो। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आज जरा पापा की तबीयत खराब है तो मैं चला आया। आपकी कार खराब हो गई है क्या? अर्जेंटली मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचना है। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। इतना दूर तक ऑटो से जाओगे? आपके लिए कुछ दूर नहीं, आइए बैठिए ना। ओके एक मिनट। पापा आपका फीवर मेरे फेवर में आया है। रवि। हाँ मैडम। रवि रास्ते में किसी फ्लावर शॉप पे रोक देना। ओके मैडम। वैसे रजिस्टर ऑफिस में क्या काम है आपको? मेरी फ्रेंड की मैरिज है। ओह लव मैरिज होगी। करेक्ट। आईआईटी में दोनों मेरे क्लासमेट्स थे। लड़की केरला की है, लड़का यही हैदराबाद से है। वो दोनों बहुत लकी है ना, प्यार सबको नहीं मिलता। किसी के सच्चे प्यार में गिर जाओ तो तुम्हारा लव भी सक्सेसफुल हो जाएगा। ओह नो, शॉप तो बंद है, अब क्या करें? कोई बात नहीं, पास में एक और शॉप है। अब इसे क्या हो गया? मुझे लगा मेरा नसीब अच्छा है कि आज ये ऑटो तक आ गई है, पर ये ऑटो आज मुझे धोखा दे रहा है। क्या हुआ रवि? आज का दिन ही खराब है, ऑटो भी खराब हो गया। मैं दूसरा ऑटो लेके चली जाऊंगी। बाय। नहीं नहीं स्टार्ट हो जाएगा मैम। वो घर मेरे को बहुत सस्ते में पड़ा। अच्छा ये बात है। मैं वो बाइक लेकर आऊं? पर इस वक्त बाइक कहाँ मिलेगी? एक सेकंड रुकिए। अरे गणेश भाई कैसे भाई? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा भैया मुझे एक हेल्प चाहिए। कुछ काम है क्या? मुझे थोड़ी देर आपकी बाइक मिलेगी क्या? अबे कैसी बातें करता है, कड़कती गर्मी से लेके तेज बारिश में पेपर देने आता है, तुझे बाइक नहीं दूंगा क्या? ये ले चाबी। थैंक यू भाई। जा जा। फ्लावर शॉप के बजाय तो मुझे सीधा नर्सरी में ले आए रवि। बस दो मिनट। हाय दीदी। आज रास्ता कैसे भूल गए? तुम्हारी माँ सब्जियाँ उगाने के साथ साथ अब फूल भी लगाने वाली हैं। मैं बस ऐसे ही नहीं आ पाया। अच्छा दीदी हाँ? ये मेरी फ्रेंड है। हेलो आंटी। इन्हें गिफ्ट करने के लिए कुछ फूल चाहिए। जो पसंद आए ले लो रवि, ये नर्सरी तुम्हारी ही है। थैंक यू दीदी। क्या रहे छोटू, स्कूल नहीं गया? बहुत प्यारा। ये लीजिए आपका बुके तैयार। वाओ रवि इट्स अमेजिंग, तुमने बहुत अच्छा बुके बनाया है। रवि हाँ? अगर अलग अलग पौधों के बजाय एक ही पौधे में सभी रंग के फूल खिलते तो कितना अच्छा होता ना, हर एक पौधा बुके जैसा लगता। ओ चलो चलो मुझे लेट हो रहा है। बाय आंटी, थैंक यू सो मच। कम बाय दीदी, अपना ख्याल रखना। देखो धारणी आ गई, चल चल। हाय गाइस, ये भी कोई आने का टाइम हुआ? बैड डे और टाइमिंग की स्टोरी बाद में बताऊंगी, पहले इससे मिलो रवि। हाय हाय। अब तक बाकी का गैंग दिखाई नहीं दे रहा, सबने डिच किया और संदीप जब विटनेस था वो भी नहीं आया। अगर इन्हें ऑब्जेक्शन ना हो तो विटनेस का साइन कर देंगे, प्लीज कम ब्रो। चलो इट्स ओके कम। टाइम पे आइए, शुगर का पेशेंट हूँ, टाइम पे लंच नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाती है। सॉरी सर। एक दूसरे को माला पहनाइए। कॉन्ग्रेट्स गाइस। थैंक यू। थैंक यू। आप चारों यहाँ रजिस्टर में साइन कीजिए।
ही साइन कर दो। क्या हो गया रवि? आई एम रियली सॉरी, इनके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं हैं और मुझ जैसे अजनबी को ये विटनेस बना रहे हैं तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे गलत मत समझना, शादी माला और साइन करने से नहीं होती, फैमिली होती है, उनकी खुशियां होती हैं। अगर शादी में फैमिली नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। मैं भी एग्री करता हूँ, पर पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए, इन्हें कन्विंस करने के लिए 4 साल लगा दिए। घर वालों को कन्विंस करने के लिए कितना टाइम दिया आपने? 4 महीने या 4 दिन? 4 घंटे भी दिए थे? शायद 4 बार पूछा होगा, 1 बार मना किया तो आप लोग सीधे यहां पर आ गए। बचपन से लेकर आज तक हर पसंद की चीज दी है और हम उनके साथ ऐसा करेंगे? उन्हें भी सोचने के लिए वक्त देना चाहिए ना हमें। मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों से कुछ ज्यादा ही कह दिया। दरिनी आज यहां साइन करने के लिए ही आई है और इनके कहने पर मैं भी करूंगा। नहीं रवि, तुम्हारी बातें सुनकर मेरी तो आंखें खुल गई हैं। यस ब्रो, हमारी शादी फैमिली के ब्लेसिंग से ही होगी। मैंने अपने करियर में अनगिनत शादियां देखी हैं, ऐसा नोबल थॉट्स उच्च विचार वाला लड़का कभी नहीं देखा। धरणी, इतने लाउड म्यूजिक में कैसे पढ़ सकती हो तुम? बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के कोई फिल्म होती है क्या माँ? बस ऐसे ही कुछ समझ लीजिए। बहुत हो गया रोमांटिक नॉवल, ऐसे पढ़ रही हो जैसे कल ही तुम्हें कोई एग्जाम देना हो। हेलो, हाँ बोलो शंभू, बेटी की शादी फिक्स हो गई? कांग्रेचुलेशंस यार। वैसे मम्मी, कौन है? आपने तो अरेंज मैरिज की थी ना, क्या आपको पापा पहली नजर में पसंद आए थे? पसंद तो दूर, शादी के 1 साल बाद भी मैं उन्हें समझ नहीं पाई थी। मतलब आपने बिना फीलिंग्स बस ऐसे ही शादी कर ली थी? एक्चुअली शादी के तकरीबन 1 साल बाद पहली बार उनके लिए कोई रियल फीलिंग जागी। वक्त बीतने के साथ साथ उन्हें समझने लगी थी। सच कहूं तो प्यार बहुत पहले हो गया था, बस उस प्यार का एहसास देर से हुआ, समझी? चलो चलो अब सो जाओ। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। भी न्यूज़पेपर डिलीवर करने आए हो? अरे नहीं नहीं। तो फिर बिल के पैसे लेने आए होगे? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ, लेकिन जॉब नहीं मिला। वैसे तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? बीटेक किया है मैंने। बीटेक? सच में? हाँ। बीटेक करने के बाद भी न्यूज़पेपर्स बांटते हो? ओह, वो तो घर चलाने के लिए और ये फ्यूचर के लिए।
अच्छा गढ़वाल साहब, चलता हूँ, बहुत से कार्ड बांटने हैं मुझे। ओके भाई, देखना धरनी शादी में जरूर आए, आपकी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं, ये लो वो आई गई, फरमान सुना दो उसे। हाय शंभू अंकल। हेलो बेटा, कैसी हो? हाय, कंग्रेचुलेशंस फॉर द मैरिज। थैंक यू। बेटा धरनी, ये मेरा ऑर्डर है, संगीत से लेके शादी तक तुम्हें वहीं रहना है। बिल्कुल अंकल। चलो भाई, नमस्ते अंकल। नमस्ते, बाय बाय अंकल। ए किताबी कनखजूरी, हे मेरे बर्थडे की शॉपिंग की ना, क्या गिफ्ट लाई? मेरी औकात है कि मैं इसे खरीद सकूं। ये तो धरनी ने मुझे गिफ्ट दिया। क्या कहा भाई, धरनी ने दिया? जरा इसके मुंह दिखा दो, करना भाई। भाई क्या बात है, क्या कर रहा है बेटू, तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया भाई, लोकल से ब्रांडेड। हे, उसकी लिखी बातें पसंद आई, लाइफ में पहली बार तुझे अपनी सोच वाली लड़की मिली, उसने अपना नंबर दिया, गिफ्ट शिफ्ट दिए, इस सब का क्या मतलब यार? ये क्या बक रही है तू, उस पेपर बॉय से लव शव तो नहीं हुआ? सही कहा, वो फाइनेंशियली वीक जरूर है, पर कैरेक्टर की बात करें तो आम लड़कों से बहुत ही ज्यादा अलग है। तेरा उसे टाका कब भिड़ा रे? ये तो बिल्कुल मेरी सोच जैसी है। अंकल। बोलो बेटी। ये तो न्यू एडिशन है, मुझसे पहले भी किसी ने इशू करवाई। अच्छा, वो वाले पेपर बॉय रवि लेके गया था। पेपर बॉय रवि। ये जरूरी नहीं है कि दो लोगों की जिंदगी एक जैसी हो, पर उसकी सोच को जानने के बाद मुझे लगा कि हम दोनों की दुनिया एक ही है। जैसे जैसे मैं उसे और जानती गई, मुझे समझ आया कि उसकी अहमियत मेरी जिंदगी में क्या है। बस फिर सोच लिया कि मैं अपनी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहूंगी। सच में, वैसे इस धमाकेदार न्यूज से उसे कब शौक देगी? परसों उसकी फ्रेंड पूर्णा का बर्थडे है, उसी दिन मैं उसे प्रपोज करने की सोच रहा हूँ। आए आए, क्या रे ब्रो। बेटा जितना खर्चा किया पता चल रहा है ना? पर सबसे सॉलिड तो वो बुफे है। हाँ सर। वो फूड इंस्पेक्टर ब्लैकमेलिंग करके सारा खाना फ्री में बनवाया। हाँ। ऐसा करके अपनी फूड इंस्पेक्टर ही वो भूल जाए। फिक्र मत करो सर, सूप सर्व करने के लिए टीस्पून रखा है और मैंने पुलाव के अंदर भी गरम मसाले के साथ काजू मिलाया है। बढ़िया है, एक काम कर, सूप में ना जमल घुटा मिला दे, पेट के साथ में उसको भी साफ कर देते हैं। बेटा भूख लगी है, जल्दी से केक काटो। दो मिनट डैडी, एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है। मुझसे भी कहाँ है रे? बंटू बोल, पार्टी का क्या सीन है भाई? अरे तूने सात पीढ़ी में इतनी शानदार पार्टी नहीं देखी होगी। सच में? हाँ। धरनी से दिल के बाद टेलिंग क्या? अरे आवाज मेरी अटक रही है यार, तुम लोग साथ होते तो हिम्मत रहती। ऑडी भैंस ने इनवाइट नहीं किया तो क्या करें? ऊपर वाले का नाम लेके मिसाल। चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ, बाय। वो आ गया। आओ ना। ये है? तुमने तो कहा इम्पोर्टेंट गेस्ट है, मुझे लगा एमएलए या मिनिस्टर का बेटा होगा, तुमने एक पेपर वाले को बुलाया। पार्टी में मेरी नाक कटवा दी। आओ। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक्स। आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो रवि। दिया तो तुमने ही था ना। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं आपकी प्यासी निगाहें कॉकटेल्स ढूंढ रही हैं। बात यह है, बर्थडे में फैमिली फ्रेंड्स इकट्ठा हो पाते हैं, इसीलिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। इस एज में अट्रैक्शन नेचुरल है, लव होना कंपलसरी है। एक फूड इंस्पेक्टर होने के नाते अपनी लाइफ के तजुर्बे से कहना चाहूंगा, फूड की बात हो, लव की बात हो, क्वालिटी कंट्रोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिलो स्टैंडर्ड इंसान के प्यार में मत पड़ना। जैसे खाने में जर्म्स हो सकते हैं, वैसे इंसान में मिलावट हो सकती है, दोनों पॉइजनस हो सकते हैं, इंसान की लाइफ खराब कर सकते हैं। ये खाना अच्छा होगा तो अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाएगा,
लव सक्सेसफुल हो जाएगा। थैंक यू कम ऑन क्यूटी पाई नाउ कट द केक। ओके डैडी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी। हैप्पी बर्थडे पूर्णा। क्या पूर्णा, तुझे प्यार हो गया है? तेरे डैड लव और फूड पे लेक्चर दे रहे थे। अरे यार, खाने से ध्यान हटे तो प्यार पे ध्यान दूंगी ना। आरव, प्यार का असली मतलब क्या? प्यार किसी के लिए मजा है तो किसी के लिए सजा है। तेरे लिए तो सजा ही होगी। रवि तुम बोलो। प्यार ऑक्सीजन जैसा होता है, दिखाई तो नहीं देता पर उसके बिना चलता भी नहीं। वाह, क्या बात है। तुम इससे हमारा इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगी? ये रवि है, मेरा बॉयफ्रेंड। हाय, मैं ईशानी हूँ। हाय, हेलो। हे, हाय, आई एम आरव। हेलो। हाय तेजस। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का ना हम क्वालिटी कंट्रोल चेक करते हैं। तुम क्या काम करते हो? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ओह नाइस। व्हाट्स योर सीटीसी ब्रो? 12 पर एनम। अच्छा, कौन सी कंपनी में हो? IBM। वाओ, दैट्स ग्रेट। IBM, ग्रेट। हनी, यू आर वेरी लकी। एक्सक्यूज मी, वन मिनट। रवि, तुम ऐसे बीच में छोड़ के क्यों चले आए? अगर सफर पूरा नहीं कर सकते तो हमें उस सफर को शुरू नहीं करना चाहिए। तुम मुझसे नाराज हो गए हो कि मैंने तुम्हें लेके झूठ बोला? बिल्कुल नहीं, बस झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखो धरिणी, तुम इतनी अमीर हो इसलिए मैंने तुमसे प्यार नहीं किया। प्यार मैंने तुम्हें बिना देखे किया है क्योंकि तुम्हारी सोच अच्छी है। पता नहीं मैं तुमसे ये सब क्यों कह रहा हूं। तुम्हें देखने के लिए, तुमसे बात करने के लिए एक एक पल तड़पता था, लेकिन जब मौका मिलता था तो बात ही नहीं कर पाता था। फिर तुमने सामने से मुझसे फ्रेंडशिप की। पता है पूरे महीने चाय पीता ना 300 रुपए होते हैं। और तुम मुझे कहां ले गई थी? वो जगह का नाम क्या था? वो स्टारबक्स। हाँ, ये कॉफी 300 रुपए की, पागल है क्या? मैं हेयर कटिंग भी ना 50 रुपए में करवाता हूं और तुम्हारे पार्लर वाले 3,000 लेते हैं। मुझे लगा ये सिर्फ कीमत का फर्क है, लेकिन ये हैसियत का फर्क था। रवि, दरअसल मैं सबको ये बताना चाहती थी कि हाँ, वो तुम्हारी मजबूरी थी, जानता हूँ। मैंने बीटेक किया ये जानने के बाद ही तुम मेरे करीब आई थी धरणी, मैंने ही नोटिस नहीं किया। करेक्ट, तुमने फोन गिफ्ट किया ना तो बहुत अच्छी फीलिंग आई थी। स्टैंडर्ड, वही तो नहीं समझ पाया मैं। शर्ट गिफ्ट देकर तुमने कहा कि पहन के आना, तो मुझे लगा तुम्हारा प्यार है, लेकिन ये इन लोगों के बीच अच्छा दिखने के लिए था ना। ये क्या कह रहे हो रवि, तुम पागल हो गए हो क्या? धरणी, अफसोस तो बस इस बात का है कि तुम भी औरों जैसे ही निकली। तुम्हारी नजर में न्यूज़पेपर बांटना गलत नहीं है पर बिलो स्टैंडर्ड है। तुम्हारा स्टैंडर्ड ही अलग है ना। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, आदमी का बैकग्राउंड कितना इंप्रेसिव, कितना चमक दमक वाला। और लेकिन इंसान कैसा भी हो चलता है। इस दुनिया को छोड़कर तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगी। रवि, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें नहीं, मैं खुद को जज कर रहा हूं। मैं सोचने लगा था कि हम दोनों की दुनिया भी एक हो सकती है। मैंने सोच भी कैसे लिया। रवि, आजा बैठ जा।
बाकी का घर चल के पढ़ते हैं। मम्मी के 3 कॉल आ गए हैं, बिना पढ़े मैं नहीं जाऊंगी। तेरा फोन बज रहा है बे। फालतू कॉल्स के लिए टाइम नहीं आ रहा है। फालतू कॉल्स? तू कौन सा स्टार है बे? पेपर में छपने वाला स्टार नहीं होता भाई, पेपर बांटने वाला भी स्टार होता है। सुन, किसी फैन का फोन नहीं आ रहा, अप्पू नाम के आदमी का है, तू बोलता है तो उठा लूं। फोन नहीं, बॉम्ब है भाई, उधार लिया उससे, बहुत गाली देगा मेरे को, समझा क्या? क्या हुआ, उदास क्यों है तू? कुछ नहीं यार। झूठ मत बोल, कुछ तो लोचा है, 4 दिन से ही पेपर बांटने भी नहीं जा रहे है। कितने सारे लोगों का बिना पेपर के पेट साफ नहीं हो रहा है। अपन ने ठेका नहीं लिया है, बिना पेपर के नहीं उतरती तो बोल चूरन खाए। अबे चुप बैठ, उन सब के बारे में मत सोच, इसके बारे में सोच। कुछ नहीं, थोड़ा मूड खराब है यार। मूड का क्या है, शाम को 2 पैक मार, मूड ऑन। दारू पीना कोई इलाज नहीं है, इसके लिए मुझे बात करनी होगी, पूना से बात करना सही रहेगा। क्या है, बिल लेने आया है? यहीं रुको। पूर्णा मैडम, दरअसल धरणी मैडम मेरे कॉल्स नहीं उठा रही और मुझे उनसे बात करनी है। अगर मैं होती तो नंबर ही ब्लॉक कर देती। उससे गलती हो गई है। उसे इतना रुलाने के बाद तुझे गलती का एहसास हुआ? तेरे साथ सिर्फ 1 दिन बिताने के बाद वो तुझे जान गई, और इतने साल उसे फॉलो करने के बाद भी तू उसे जान नहीं पाया? I'm sorry, really sorry. उस वक्त मुझे बहुत insulted feel हुआ था, उसके intention को मैं समझ नहीं पाया। सच तो यह है कि life को मुझे अपने नजरिए से देखना था और मैंने गलती से किताबों के नजरिए से देखा। रवि, वो तुम्हारे लिए concern रहती है, तुझे hurt नहीं करेगी वो। किताब पढ़ने से लड़की का दिल नहीं समझा जा सकता, वक्त बिताना पड़ता है, उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। एक बात याद रखना, धरनी जैसी लड़की पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। क्या अभी मैं धरनी से मिल सकता हूँ? वो यहाँ नहीं है, अपनी फ्रेंड की शादी में गई है। Thank you.
रियली सॉरी धरिनी। अब कितनी बार सॉरी कहोगे? हाँ कभी सोचा है फिंगर्स के बीच में गैप क्यों होता है? ताकि अपना जीवन साथी अपनी जगह बना सके। दुआ करना कि ये हाथ कभी ना छूटे, हमारे बीच कभी कोई दरार नहीं आनी चाहिए। बस मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। आज अपना मैटर सेटल करके जाऊंगा। क्या रे बंटू, क्या चाहिए? चप्पल तो नहीं पहना तूने? देख बोनी का टाइम है, फटाफट बोल क्या चाहिए तुझे। आज नारंगी का छिलका फेंक या कचरा पट्टी मुंह पे मार, लेकिन आज ये बंटू ना अपने दिल के बाद बोल की जाएगा यहाँ से। आई लव यू। एक बार हाँ तो बोल मेरी जान, पूरे मोहल्ले में अपने प्यार का चर्चा होएगा, सब बधाइयां देंगे। क्या बोलती है तू? लगता है कल्टी होने का टाइम आ गया। देख मैं सीधा पॉइंट पे आ रही हूँ, तेरे साथ शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अपन का भी सेम फिलॉसफी है मेरी जान, ये सब आउटडेटेड मामला है, ओल्ड फैशन। अपन शहर के किसी खोपचे में रूम लेके एसी बीसी लगा के मस्त ठंडे में अखा दिन अखा नाइट रोमांस करेंगे और लिविंग रिलेशनशिप बनाएंगे। 6 महीने धमाल करने के बाद एक दूसरे से बोर हो गया तो ब्रेकअप करके अपन अपन घर चले जाएंगे। आइडिया सही है? मैंने बोला ना मुझे तुझसे शादी नहीं करनी। अगर तू दोबारा यहाँ आया ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े तंदूरी में डाल दूंगी। वो फोन नहीं उठा रहे हैं मम्मी, फिर से एक बार ट्राई करना। तेरे पापा बिना बताए रात को कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रहते। आप टेंशन लेना बंद कीजिए। पता है हमें कितनी टेंशन हो रही थी और आपने फोन क्यों नहीं किया? क्या हो गया पापा? पापा आखिर बात क्या है, प्लीज बताइए। वो शंभु अंकल को जानते हो ना? क्या हो गया है उन्हें? अभी अभी तो हमें शादी का कार्ड मिला था ना। शंभु अंकल को कुछ नहीं हुआ, उनकी बेटी गीता आज शाम को उसने सुसाइड कर लिया। एक हफ्ते बाद उसकी शादी थी, फिर उसने सुसाइड क्यों किया होगा? आज सुबह शंभू का फोन आया, उसने बताया कि गीता का वीजा बन गया है। शंभू खुद भी गर्मियों में उससे मिलने लंदन जाने वाला था, लेकिन शाम होते होते उसकी दुनिया बदल गई। वो लड़की आखिर ऐसा कर कैसे सकती है? बिकॉज ऑफ लव। वो किसी को पसंद करती थी पर घर वालों से बात छुपा कर रखी, वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। जरा सोचो इस जेनरेशन के यंगस्टर्स ऐसे क्यों होते हैं, छोटी से छोटी बात शेयर करते हैं पर इतनी सीरियस बात? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा डांट ही लेंगे, जान से तो नहीं मार देंगे, सही तरीके से बात रखेंगे तो क्या पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे उन्हें? मैं भी किसी से प्यार करती हूँ। ए, ये क्या कह रही है तू? हाँ मम्मी, मुझे भी किसी से प्यार हो गया है। कौन है वो? वही लड़का जो हमारे घर में पेपर देने आता है। पेपर बॉय? पता था, मुझे पता था इन दोनों के बीच में इतने दिनों से जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। Oh, 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 oh
क्या सोच रहे हैं आप पापा? मान लीजिए गीता बताने की हिम्मत भी दिखाती तो जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स उस रिश्ते को एक्सेप्ट करने की हिम्मत कर पाते। यहाँ भी वही सिचुएशन है, आपको रिश्ता मंजूर नहीं और मैं जिद पे अड़ी हूँ। तो अब आप बताइए मुझे कि शंभू अंकल और हमारी फैमिली में क्या फर्क रहा? यही कि उनकी बेटी अब जिंदा नहीं है, पर आपकी बेटी जिंदा है, बस इतना ही। प्यार करने को तुम्हें एक पेपर बॉय ही मिला? छुट्टियों में हम जब भी गांव जाया करते थे, आप बताया करते थे कि जहां तक हमारी नजर जाती है वो सारी हमारी जमीन है। पर क्या किसी इंसान की जिंदगी की अहमियत उस जमीन से ज्यादा बड़ी है? हमारे पास क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है पापा, लेकिन हमारे साथ कौन है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बेटी के लिए पिता का साया खास होता है, और फिर उसके भाई का, और उसके बाद उसके पति का, है ना पापा? जानते हैं वो पेपर बॉय एक इंजीनियर भी है, उसके घर की जिम्मेदारी उस पर है, अपनी जिम्मेदारियों को वो बखूबी जानता है। मेरा फ्यूचर सिक्योर रखेगा। ठीक है बेटा, कोई अच्छा दिन देखकर उसकी फैमिली को यहाँ बुला लो। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। अरे सब ठीक है माँ, चलिए। हाय। नमस्ते अंकल। नमस्ते। 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 कैसी हैं आप? नमस्ते। बेटा, ऑटो वाले को पैसे दे दो। ये मेरे पापा हैं अंकल। मुझे तो पता था, लड़का अगर पेपर बॉय होगा तो बाप तो ऑटो ड्राइवर ही होगा ना, क्या कर सकते। माँ जी। आई एम सॉरी, हमें गलत मत समझिएगा, प्लीज। कोई बात नहीं, प्लीज होता है। नमस्ते। प्लीज बैठिए अंकल, बैठो ना। बैठिए ना। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? सोफे पर बैठिए, आप इस तरह तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं? इसे अपना ही घर समझिए, प्लीज बैठिए ना। नीचे चलेगा। सोफा बैठने के लिए ही है, बोलो ना बेटा, बैठिए प्लीज। सर, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, मेरी हद आपके गेट तक है। मेरा बेटा एक पेपर बॉय है, उसकी हद आपकी चौखट पर खत्म होती है। मेरी पत्नी एक कुक है, उसकी हद आपकी रसोई तक है। आपने हमें घर बुलाया, अपने बराबर में हमें बिठाया, इतनी इज्जत से बात की हमसे, और क्या मांगा? कैसी बात कर रहे हैं? मेरे घर में दो चार दीवारें और कमरे ज्यादा होंगे। हाँ, जब पता चला मेरी बेटी पेपर वाले से प्यार करती है तो मुझे थोड़ी परेशानी तो हुई थी, लेकिन जब बेटी ने हमें समझाया तो सारी फिक्र उड़न छू हो गई। लड़के अपनी पसंद से प्रेम करते हैं, लड़कियां अपने विश्वास से प्रेम करती हैं, और इसीलिए अपनी बेटी के फैसले में उसका साथ दिया। अरे क्या मैडम, बैठे रहिए, बैठिए ना प्लीज। लो बेटा। थैंक्स आंटी। माँ जी, सिल्वर के ग्लास में कॉफी दी है, देखना कहीं चुराना नहीं। माँ जी, मेरे तीन बच्चे हैं, अपनी प्रॉपर्टी में सबको बराबर हिस्सा दूंगा, अगर आपकी कोई डिमांड है तो बताइए। अरे, आपने अपनी बेटी को इतने प्यार से पाला है, इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए, और ये हमारी बेटी जैसी है। मेरे दोनों बेटे अमेरिका में सेटल्ड हैं, पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा के उन्हें एंगेजमेंट के लिए बुलवा लेंगे। जैसा आप उचित समझे। सब आपकी तरह सोचेंगे तो दुनिया कितनी अच्छी होगी ना। क्या अच्छी होगी हा? एक साइकिल चलाने वाला अब कार चलाने वाला है, और हमारी लड़की अब कार छोड़कर साइकिल पर घूमने जाएगी। ये सब देखने से अच्छा तो मैं मर जाती। मेरे पोते ही आकर इन्हें सबक सिखाएंगे। Passengers
flies on Malaysian Airlines MH0253, MH0253, are kindly added to the अरे तुमने साड़ी पहनी। आपके बेटे मुझ पर फ्लैट होंगे यही सोच रही है ना। डोंट वरी आंटी, मुझे पटाना इतना आसान नहीं। क्या हुआ बेटी, इतनी टेंशन में क्यों हो? मुझे यकीन है तुम्हारे भाई मान जाएंगे। वो आ गए। बेटा वेलकम। हे हाय, क्या बात है? एकदम ठीक। मेरा शर्म से लाल है। क्या बात है पूर्णा, काफी वजन घटा लिया। सही बोला। देखा ना आंटी, अमेरिका में इन्होंने बहुत सारी लड़कियां देखी होंगी ना, इसलिए मुझ पर नजर ही नहीं गई इनकी। तुम्हारा लगेज कहाँ है? बहन के लिए गिफ्ट विफ्ट नहीं लाए? क्यों नहीं लाएंगे हम, वो देखिए सत्या ला रहा है गिफ्ट। ये कौन है? अमेरिका में दही चाट का ठेला लगाता है क्या? यूएस में हमारा शेफ है। ये शेफ है? हाँ? पापा ने गढ़वाल से एक्सपोर्ट किया है। हेलो, हाय गाइस, होप इज ऑल वेल। अच्छा खासा इंसान वहाँ भेजा था, पता नहीं इसे क्या हो गया। चलो अब चलते हैं। चलो चलो, चलो। हाय, आई एम पूर्णा, अन्नपूर्णा। हाय, हम सोत्या, अन्नवरम सोत्या। तुम्हारे नाम में तो चावल है। मैं इंटरनेशनल शेफ हूँ। मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बनाना बहुत पसंद है। मैं बहुत खाती हूँ। मैं बहुत खाना बनाता हूँ। प्लेजर मीटिंग यू। प्लेजर इज ऑल माइन। धीरे 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 मन मेरा खो गया, चोरी 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 प्यार भी हो गया। आँखों में है सांसों में है अब नशा ही नशा, ये तूने क्या। क्या सोचने लगे? ये क्या कर दिया आपने पापा, ऐसा बेकार रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया? लड़का अच्छा है बेटा। मम्मा प्लीज आप रुकिए, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। इतने अच्छे घर की लड़की उन दरिद्रों के घर जाएगी। माँ जी, इतनी बड़ी गलती करने के बाद अब रोने का क्या फायदा? हाँ, मैं सच में उसे प्यार करती हूँ। प्यार करती हो? क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? तो फिर बिंदास शादी करो ना। सच बता, डर गई ना तुम? ठीक ठाक एक्टिंग कर लेते हैं ना, हमारा प्लान था यहाँ आके तुम्हें शॉक देने का। पर आप इस रिश्ते से खुश हैं ना भैया? 100% खुश है। हे पगली, किसके घर में जा रही हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, किसके लाइफ में जा रही हो ये इम्पोर्टेंट है। पेपर बॉय हुआ तो क्या हुआ, बीटेक इंजीनियर है, यूएस बुलवा लेंगे। थैंक यू भैया। थैंक्स बेटा, धरनी से कहीं ज्यादा मैं टेंशन में था कि तुम इस रिश्ते को एक्सेप्ट करोगे या नहीं। चिल डैड, आपने एकदम सही डिसीजन लिया है। अच्छा चलो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। Hey, come. हाँ। Don't take तकलीफ, आप जो कहने वाली उसकी डबिंग मैं करता हूँ ना। भगवान मुझे पिकअप क्यों नहीं कर लेता, तू ये दिन मुझे शोइंग, यही सेइंग ना। Really धरनी, तुम सच कह रही हो? हाँ सच कह रही हूँ, they are really impressed, I'm so happy रवि। लाइफ में इससे अच्छी न्यूज मैंने आज तक नहीं सुनी, इसे तो हम दोनों मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। हाँ मैं आ रही हूँ। क्या हुआ, फेफड़े जला रहा है या अपना कलेजा? स्मोकिंग किल्स। जो घर में हो रहा है उसे देखने से अच्छा मर जाना ही बेटर है। इतना फ्रस्ट्रेशन ठीक नहीं है, कंट्रोल यूर सेल्फ। कंट्रोल माय फुट, ये पेशेंस तुझे मुबारक हो। अपने लिए ना सही, बहन के लिए तो सही। कोई बड़ा कदम उठाना होगा बहन के लिए। पर तुम्हें आइडिया है तुम क्या कह रहे हो? तुझे आइडिया उसे किस बर्बादी में झोंक रहे हो? कुछ दिखाना है तुझे। व्हाट द हेल इज दिस? यूएस से कॉस्टली गिफ्ट्स लाया था, क्या उसे दे सकता हूँ मैं? ये वॉच उससे मैच करेगी? ये शूज उसके गंदे पैरों में अच्छे लगेंगे?
उस स्वर की औकात है सूट बूट पहनने की? चोर बाजार में बेच के आएगा वो इन्हें। आईफोन देने जाओगे तो तुमसे फोन के बजाय ऑटो मांग लेगा। एक मामूली पेपर बॉय सुन के मेरा कलेजा फटने लगता है। हमारी छोटी प्यारी बहन है धारणी, उसे एक प्रिंसेस की तरह रखा है हमने, उसकी लाइफ स्पॉइल कैसे कर सकते हैं? ए, तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं। ये दर्द, ये गुस्सा, ये चलन तुमसे कहीं ज्यादा मुझ में है। जब से सच का पता चला है पागल हो रहा हूं। दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, उस गंदगी को हटाना। कोई सोच भी ना सके, कुछ ऐसा भयानक करना होगा। हाय आंटी। हाय अंकल। हाय रवि। हाय। क्यों आंटी, आपको गार्डनिंग का बहुत शौक है ना? आप सारे वेजिटेबल्स घर पे ही उगाती हैं? हाँ बेटा, हम सारी वेजिटेबल्स को घर पर ही उगाते हैं, उससे पैसे भी बचते हैं और ताजी सब्जियाँ मिलती हैं। बहुत कंजूस है, पैसे बचाने में इसे कोई नहीं हरा सकता। इसमें क्या गलत है अंकल, ये तो मार्केट में मिलने वाली सब्जियों से बेहतर है और हेल्थ के लिए भी अच्छी है। अरे बातों बातों में भूल ही गई, अंदर आओ बेटा। चलो अंदर चलो। आओ। अरे रहने दीजिए आंटी, बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूं। खातिरदारी, शादी के बाद करती रहना, पहले मैं कुछ बात कर लूं। कल से अखबार बांटने का काम बंद। लेकिन क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी फीलिंग समझी और हाँ कहा। अब मैं उनकी ही कॉलोनी में पेपर्स बांटूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, ये बात तो हमने सोची ही नहीं थी। एक और रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो इंगेजमेंट को हम थोड़ा सिंपल रखें, जिसमें ज्यादा गेस्ट ना हो और सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर्स ही हों। हाँ बेटा, किसी की इज्जत कम ना हो इसलिए फंक्शन छोटा ही रखें। ठीक है अंकल, मैं पापा से बात करती हूँ। का तो पेपर बॉय है, हमारी बराबरी का भी नहीं है। हाँ, इनकी हालत देख के तो लग रहा है इनकी हैसियत ऐसी कहाँ। ऐसा है तो जाके टीवी में बोल दो ना, पेपर बॉय पेपर बॉय। कोई इनके मुंह में पान ठूसो, इनकी चौबड़ 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 बंद हो जाए। ओम मंगलम भगवान विष्णु। सभी अतिथि गण आ गए, रस्म शुरू करें। बस दो मिनट रुकिए, साले साहब आने वाले हैं। ए, इंजन ऑयल पी के आए हो क्या? पीछे नहीं चल सकते, मुझसे रेस लगा रहे हो क्या पागल? आ गए, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। सॉरी सॉरी, लेट आने के लिए माफी चाहता हूँ। बैठो 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 भाई बैठो। माताजी नमस्ते। कांग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू। जीजा जी, ये कौन है? तुम्हारा दामाद। सरस है। देर से आने के लिए सबसे माफी चाहता हूँ। हाँ पंडित जी, शुरू हो जाओ। श्री गद्दवाल रेड्डी की पुत्री सौभाग्यवती लक्ष्मी धारणी की, श्री नारायण के इकलौते पुत्र चिरंजीवी रवि के साथ कार्तिक मास के चतुर्थी के दिन रात्रि 12:01 पर विवाह के फेरे तय किए जाते हैं। सबका आशीर्वाद उनके साथ है। दोनों परिवार शगुन का आदान प्रदान करें। जरा स्माइल करो, किसी के शादी में आए हो क्या, फिर मातम मनाने आए हो? माय डियर जीजा जी, इसमें इनकी गलती नहीं आपकी गलती है। बेटी की शादी का इनविटेशन तो दिया लेकिन किससे हो रही है नहीं बताया। एक से बढ़ के एक रिश्ते में लाया था, एक से एक खानदानी रिश्ते, लेकिन एक भी सिलेक्ट नहीं किया। पसंद नहीं है ये बोल के सबको रिजेक्ट कर दिया और खुद ने कैसा दामाद ढूंढ के निकाला। एक मामूली पेपर बॉय को दामाद बनाने चले हो आप। कल सुबह से तुम्हारी बेटी साइकिल लेकर गली गली पेपर लो कहकर चिल्लाती फिरेगी।
यही सपना देखा इसके लिए? पर धरनी उसे पसंद करती है। अच्छा, कल को ये तो कहेगी मुझे कुएं में कूदना है, तो क्या कूदने दोगे? ये क्या करने जा रहे हो जीजा जी? सोने को लोहे की तिजोरी में रखो तो भी कभी भी लोहा सोना नहीं बनेगा। मजबूत होने पर भी लोहे की चेन हम नहीं पहनते, जानवर को पहनाते हैं। लोहे की जंजीर तुम गले में डाल रहे हो, ये देख के मैं चुप रहूंगा? मामा जी चिल। मामा होने के हक से ही बोल रहा हूँ। गढ़वाल रेड्डी के घर की इज्जत दांव पे है, इसलिए जरा सोच के कदम उठाओ। इस रिश्ते के बारे में काफी डिस्कशन हो चुका है, आना चाहते हो तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। अच्छा जीजा जी, चलता हूँ। उसकी बातों से हट क्यों होती हो? ये सब मेरी वजह से। देखो धारणी, हमें एक ही लाइफ मिलती है, उसे अपनी मर्जी से जीना चाहिए। रवि तुम्हें रानी की तरह रखेगा, इसमें यकीन है हमें। ये क्या, अभी तक मुंह उतरा हुआ है? ओके, रवि को कॉल करो, सब मिलके वेडिंग कार्ड सिलेक्ट करने जाएंगे, फिर बाहुबली देखेंगे। ये इसमें मिस हुआ है ना, हैप्पी? भैया, बेबी बाहुबली को भी ले चले। बाहुबली सर, टिकट में कॉन्सेशन मिल जाए। कम ऑन धारणी, कम ऑन, गेट अप, रेडी हो जाओ। वेडिंग कार्ड सिलेक्ट करते करते कितनी कैलोरीज बर्न हो गई, पेट पूजा करे क्या? ए, हम फिल्म देखने जा रहे हैं, इंटरवल में कुछ खा लेना, तब तक मेरी लाइफ का तो दी एंड हो जाएगा। गुड वन बेबी। थैंक्स बेबी। हां, ए वहां पे भुट्टे मिल रहे हैं, मुंह में पानी आ गया। तुम खाओगी क्या बेबी? तुम खिलाओगे बेबी? या गाड़ी रोको। एक्सक्यूज मी, टॉक इज नियर बाय, आई विल कम एंड वॉक अलोन, गो। जिंदगी सफर है सुहाना। ए अंकल, हाउ मच इज द भुट्टा? नो इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग। हाँ, सिनेमा हिट है ना? हे, कूल जो, कूल। हे, मूंगफली। पूर्णा, हाँ? तुझे सिर्फ खाना दिखता है। नहीं खाऊंगी तो मर जाऊंगी। हाँ। ए। अच्छा वैसे यहाँ पर धरनी, टाइम हो रहा है। वो दोनों आ जाएंगे, हम चलते हैं। चलो ना, उन्हें छोड़ो, वो आ जाएंगे। चलो। सुनो भैया, दिल खोल के मसाला डाला, मस्त नींबू निचोड़ना, चटपटा बनाना। तरबूज सिंगदाना कह रही है। जल्दी आना भैया। चिंपैंजी जैसा फेस, हथनी जैसी फिगर। What the hell did you say? अरे बाबा, इंग्लिश बोल रही है। Who the hell are you, man? अरे अब पता चलेगा ये लड़की है। होली पर चल, मूंगफली क्या मावा खिलाऊंगा तुम्हें। My baby calling for help. किसने उसको तकलीफ दी बोलो? मैंने तकलीफ दी? तो फिर क्या कर लेगा बे तू? क्या उखाड़ेगा तू? चलो बैठो, बैठो ना। बटर स्कॉच तो चाहिए, खाली बैठोगी तो बोर हो जाओगी। इधर तुम इसको लीक करो, मैं उन लोगों को कीक करता हूं। आराम से इधर बैठ के इसको खाओ, जब तक तुम खत्म करोगी तब तक मैं इनको खत्म करूंगा। दादागिरी दिखाता है तेरी तो। Oh!
मेरी बेबी को जिन हाथों से तुम लोगों ने पकड़ा था उन्हीं से सॉरी 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 सुपर बेबी। इसने तो अपनी शादी फिक्स कर ली। चलो चलते हैं। सुन रवि, मैं तुम्हें पहले ही कह देती हूँ, मैं अपनी एक महीने की तनख्वाह से बहू के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदूंगी। अरे ये तो चीटिंग है, ये बात तो मैंने कही थी। अरे ठीक है ना पापा, रिसेप्शन की ड्रेस आप ले लेना। अरे बेटा नमस्ते। आओ आओ जूते रहने दो। आइए आइए आइए, गरीब की कुटिया में बैठिए बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए। ओके, इस वक्त कैसे आना हुआ? वो शादी की शॉपिंग के लिए हम बाहर निकले थे तो एक्चुअली मॉर्निंग में पापा ने आपको ये देने के लिए कहा था। इसमें क्या है? 5 लाख में कुछ। हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है कि लड़की वाले लड़के वालों को कपड़ों के लिए अपनी तरफ से पैसे देते हैं। हमें ये पैसे नहीं चाहिए, हम अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद लेंगे, तुम ये ले लो। ऐसा मत कीजिए आंटी, इन्हें रख लीजिए। हम आपसे ये पैसे नहीं ले सकते, वापस ले लो। 5 लाख की ही तो बात है आंटी, कल हमारे घर की लक्ष्मी आपके घर आएगी, उसे कैसे संभालेंगे? वो हमारी बेटी जैसी होगी। अरे पहली बार घर आए हैं, जाके चाय वाय बनाओ। रात के 10 बज गए अंकल, चाय पीने का टाइम थोड़ी ना है। आंटी कुछ खाने के लिए है क्या? शॉपिंग के चक्कर में खाना वाना सब भूल गए थे, जोरों से भूख लगी है। अच्छा रुको, 2 मिनट में कुछ बना के लाती हूं। आंटी जो बनाए वो ही दीजिए ना, शादी के बाद बहन को थोड़ी स्पेशल खाना नसीब होने वाला है। अंकल वाटर। क्या हुआ भाई, खा क्यों नहीं रहे हो? माना आंटी रोज 10 घरों में खाना बनाती है, इसका मतलब ये तो नहीं यहाँ 10 तरह के पकवान मिलेंगे तुम्हें। चलो चलो खाओ खाओ। क्या हुआ, स्पाइसी लग रहा है? सब्जी कम ना पड़ जाए इसलिए मिर्ची ज्यादा डालते हैं। क्या हुआ, आप क्या ढूंढ रहे हो तुम? घी नहीं होगा इसलिए मसाले सूखे हैं, चलो खाओ। क्या हुआ, गले से नहीं उतरा? मेरे भी नहीं उतरा। ऐसे बेकार खाने की आदत नहीं है ना हमारे इस गले को, पर आदत डालनी होगी। बहन रोज यही तो खाने वाली है, बेचारी का गला रोज जलेगा। गले के साथ में दिल भी, हम तो कल अच्छा खाना खाएंगे पर बेचारी दिल जला के आज वहां अच्छा खा रही है ना, लाइफ लॉन्ग के लिए यहां नहीं मिलने वाला। ये देखो यही होगा उसके बाद। बेडरूम कहां पर है? यही है बेडरूम, सुहागरात को बाकी सब बाहर सोएंगे। सोचो उसके बाद कहां सोएंगे, सब एक साथ में ही सोएंगे। माँ बाप यहां सोएंगे, बहू बेटा यहां सोएंगे। वो अपोलो हॉस्पिटल में पैदा हुई थी, उसके बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में, हमारे बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ेंगे, उसके बच्चे नाले के किनारे आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे। नो प्रॉब्लम, पापा ने वचन दिया है ना, निभाएंगे उसे। वैसे एक बात सच बताना, तुम एक पेपर बॉय हो, तुम्हारी बहन होती और कल को कचरा उठाने वाले से उसे प्यार हो जाता, शादी के बाद पति उससे कचरा उठवाएगा, ये जानते हुए भी तुम अपनी बहन की शादी उससे करवाते थे? देखिए आंटी, प्रेम 2 इंसानों का जज्बा है लेकिन शादी 2 परिवारों का संगम है। हम यहां कोई आपको लेक्चर देने नहीं आए हैं, सच का आईना दिखाने आए हैं। आज हमें पीड़ा पहुंच रही है, कल यही पीड़ा आपको पहुंचेगी। आप जिन घरों में काम करने जाती हैं वहां गढ़वाल रेड्डी के इन्विटेशन कार्ड जाएंगे, वहां क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? रवि।
हम सब इतने खामोश क्यों हैं? तुम उनकी बात समझ गए ना? उनके किसी भी सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। उन्होंने हमें हमारी हैसियत बता दी है और इसमें झूठ क्या है? उनके मुकाबले तो हम लोग बहुत ही छोटे हैं ना। उनकी तकलीफ को हमें समझना चाहिए ना बेटा। जिस दिन हमने उनके घर पे चाय पी, मेरे गले से नहीं उतरी, ठीक वैसे ही इस घर का खाना उनके गले से नहीं उतरा। हम खुश थे कि तुम्हें अच्छी जिंदगी मिलेगी, पर उस लड़की की खुशहाल जिंदगी छिन जाएगी, हम ये नहीं देख पाए। हम ये कह देंगे कि हमारे घर का सिलेंडर फट गया था, ऑटो का एक्सीडेंट हो गया, हम ये रिश्ता उनके साथ नहीं जोड़ सकते और उन्हें तकलीफ नहीं दे सकते बेटा। मेरी बात तुम अच्छे से समझ रहे हो ना? उस दिन माँ की बातें सच लगी। किताबों की दुनिया से हकीकत अलग होती है। स्टेटस क्लास डिफरेंसेस आज भी मायने रखते हैं। उस दिन से मैंने डायरी लिखना शुरू किया और आज इसे खत्म कर रहा हूँ, धरणी से हमेशा के लिए दूर जाकर। हाँ, आगे तो कुछ नहीं है, देख जरा। आगे क्या हुआ? आखिर ये क्या बात हुई? उससे हमेशा के लिए दूर जा रहा है, और वैसे भी ये डायरी वहां पहुंची कैसे? ओह माय गॉड, कुछ तो बहुत गलत हुआ है, उसका पता लगाना होगा। आज ही हैदराबाद जाना होगा। सुनिए, गदवाल रेड्डी जी का घर सीधा जाके लेफ्ट लीजिए। आंटी, आप कौन? मैं धरिनी की फ्रेंड हूँ। अंदर आओ बेटा। कौन है ये? धरिनी की फ्रेंड्स हैं। आओ बेटा, बैठो। मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, पानी की जरूरत नहीं है, एक बार धरणी को बुला देंगी? धरणी यहाँ नहीं है, कहीं गई है। उसके भाइयों ने उसके प्रेम की वजह से कुछ गलत कर दिया। बिना किसी गलती के ऐसी सजा दी उसे कि वो यहां से चली गई और कभी वापस नहीं आई। प्लीज शांत हो जाइए, मैंने आपको रुला दिया। तुम्हारी क्या गलती है बेटा, ये तो हमारे भाग्य में ही लिखा है। धरिनी गई कहां है? धरिनी, तुम धरिनी हो? हाँ, तुम कौन? मैं मेघा हूँ, आज ही मुंबई से आई हूँ। तुम यहाँ हो इसका मतलब रवि? तुम उसे कैसे जानती हो? तुम दोनों के प्यार के बारे में मैं सब जानती हूँ। हाँ, वो कैसे? रवि की डायरी हमें मिली थी। ये तो रवि की डायरी है, तुम्हारे पास कैसे आई? Thank you.
ये डायरी मुंबई तक कैसे पहुंची? वैसे रवि इस वक्त कहाँ है? उस दिन जब तुम्हारे दोनों भाई घर आए, उसके बाद क्या हुआ था? उस दिन वैलेंटाइंस डे था। रात को 12 बजे हम कहीं मिलने वाले थे, लेकिन रवि नहीं आया। उसे फोन किया तो फोन नहीं लगा। उसके दोस्तों ने बताया कि वो शहर छोड़ के जाने वाला है अपनी फैमिली के साथ। पता चला कि ट्रेन एक्सीडेंट में सबकी डेथ हो गई, पर मुझे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन इस कॉलोनी के लोगों को पूरा यकीन था। जो इंसान न्यूज़पेपर देने आता था वो खुद एक न्यूज़ बन गया। सत्या से मुझे अपने भाइयों की करतूतों का पता चला, मैं गुस्से से पागल हो गई। ये सब करने की क्या वजह थी? क्या सच में पापा ने पैसे भेजने को कहा? बोलिए, उन लोगों को इतना भला बुरा कहा, इतनी बेइज्जती की, अपनी ईगो की वजह से एक फैमिली को खत्म कर दिया। ऐसी बात नहीं धरनी, भाई का फर्ज ऐसे तो निभाया। अगर सच में मुझसे प्यार करते तो उसके पास ले जाते, ना कि उससे दूर करते। उसे मेरी जिंदगी से तो दूर कर दिया आप लोगों ने, पर दिल से नहीं कर सकते। जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है, पर कोई बात नहीं, इसका प्रायश्चित मैं करूंगी। जिस घर में रवि के साथ रहना चाहती थी, अब उस घर में उसके बिना रह लूंगी। जानती हूं कि वो यहां नहीं है, पर उसकी यादें यहां है। नहीं, रो मत, तुम्हारा यकीन सही था। कुछ नहीं हुआ है रवि को। डायरी मिलने का मतलब है वो जिंदा है। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, अगर वो जिंदा नहीं होता तो भगवान मुझे यहाँ नहीं भेजते। मेरी लाइफ का यही एक मकसद है, भरोसा करो, अपनी मौत से पहले तुम्हें तुम्हारी जिंदगी लौटाऊंगी। मेघा, 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 सुन मेघा, मैंने करण को भी इन्फॉर्म कर दिया है। तुम्हें फ्लावर्स कहाँ से लाए? स्पेशल फ्लावर्स हैं, florist.com। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। उस साइट का एड्रेस क्या है? मैं जानता हूँ, पर क्या बात है? That's really great. Love you, करण। मेघा, क्या हुआ? बोली मैडम, लिव लाइफ हॉस्पिटल में फ्लावर्स यहाँ से डिलीवर हुए थे। Yes, ma'am. इन्हें डिलीवर करने वाला रवि है ना? नहीं मैम, उसका नाम अफजल है। ये फ्लावर्स कहाँ से सप्लाई होते हैं, आप बता सकते हैं हमें? इन फ्लावर्स का ऑर्डर मुंबई के गोरेगांव इलाके में हुआ था। ये फ्लावर्स हैदराबाद से आए हैं, पर इनकी सप्लाई गोरेगांव से हुई। और वो डायरी तो तुम्हें मुंबई से मिली थी ना? रवि का इन सारी चीजों से क्या लिंक हो सकता है? गोरेगांव के ऑफिस से इसका इन्फॉर्मेशन मिल सकता है।
बाद में इसी एड्रेस से डिलीवर होता है क्या? यस मैम, ऐसे फ्लावर्स हमारी कंपनी में मिलते हैं। आप ये यही प्लांट करते हैं? नहीं, हम पुणे से मंगवाते हैं। क्या उसका एड्रेस है आपके पास? जी हाँ बिल्कुल है। प्लीज बता दीजिए। मैं कार्ड देता हूँ आपको। थैंक यू। रवि का घर है ना? नहीं, ये रवि का घर नहीं है। ये फूल यहीं से सप्लाई होते हैं? मगर रवि नाम का यहाँ पे कोई नहीं रहता। राम से मिलाना आपका मकसद था, धरणी को रवि से मिलाना मेरी लाइफ का मकसद। जैसा कि मैंने कहा था, हम सब इस दुनिया में किसी ना किसी मकसद से आते हैं और अपना वही मकसद पूरा करने के बाद ही जाएंगे।